हेलो गाइस, यार कैसे हो आप सब। तो गाइस, अपना बोबॉय तो कई बार अपग्रेड हो चुका है और उसके साथ साथ उसकी पावर वॉच भी अपग्रेड हुई है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो दो बार। तो गाइस, क्या आपको पता है कि बोबॉय की पावर वॉच को किसने कब और क्यों अपग्रेड किया, मतलब बोबॉय की पावर वॉच को अपग्रेड करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो गाइस डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आज आपको सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस बात करें बोबॉय के सबसे पहले वाली वॉच की, तो गाइस उसको ये वॉच ऑचोबॉट ने दी थी एलिमेंटल पावर्स के साथ। मतलब उस वॉच से बोबॉय एलिमेंटल पावर्स को एक्टिवेट कर सकता था, और गाइस बोबॉय एलिमेंटल स्प्लिट भी इसी वॉच की मदद से करता था। तो गाइस इस वॉच में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी थे जिससे बोबॉय एंड उसके फ्रेंड्स आपस में कनेक्ट होकर बात कर सकते थे, और तो और एक दूसरे को मैसेज भी कर सकते थे। तो गाइस जैसा कि आपने बोबॉय गैलेक्सी में देखा होगा कि बोबॉय की वॉच अपग्रेड हो गई थी, पर क्या आपको पता है कि उसे अपग्रेड किसने किया था। तो चलिए बताता हूँ। तो गाइस बोबॉय मूवी 1 में जो वो उड़ता वाला टापू था ना, जिसमें ऑचोबॉट अपग्रेड हुआ था, तो वहीं पर मूवी के एंड में उस वॉच को अपग्रेड कर दिया गया था। पर गाइस उस वॉच को अपग्रेड करने की क्या जरूरत पड़ी। तो गाइस मूवी के एंड में जो बोबॉय ने एलिमेंटल स्प्लिट किया और साथ में बट गया था, इतना एलिमेंटल स्प्लिट करना उस वॉच के क्षमता के बाहर था। मतलब वो छोटी सी वॉच इतनी ज़्यादा एलिमेंटल स्प्लिट को सहन नहीं कर पाती, इसीलिए उसे मूवी 1 के एंड में ही अपग्रेड कर दिया गया था, जिसके बाद वाली सीरीज बोबॉय गैलेक्सी में हमें दिखाई गई। तो गाइस ये न्यू वॉच हम सभी फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि गाइस ये पहले से थोड़ी बड़ी थी और देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही थी। तो गाइस इस वॉच की बात करें तो ये 7 एलिमेंटल स्प्लिट आराम से कर सकती थी। तो गाइस बात करें इसके फीचर्स की, तो गाइस इसमें कुछ खास ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, वही पुराने वॉच के एक्स्ट्रा फीचर्स थे। बोबॉय जिस एलिमेंट में भी ट्रांसफॉर्म होता था, इस वॉच में उस एलिमेंट का लोगो दिखने लगता था। तो गाइस यहाँ पर आप सब सोचोगे कि ये वॉच बस एलिमेंटल स्प्लिट सेफली कर सकती थी और वही पुराने फीचर्स थे, तो क्या ये वॉच फालतू थी। नहीं नहीं गाइस, ऐसा मत कहो, ये वॉच तो बड़े काम की थी। हाँ, ये घड़ी तब काम में आई जब बोबॉय मूवी 2 में बोबॉय ने एलिमेंटल फ्यूजन किया था। मतलब गाइस ये वॉच अगर नहीं रहती तो बोबॉय बेचारा एलिमेंटल फ्यूजन नहीं कर पाता, और रट्टाको को नहीं हरा पाता, सब सत्यानाश हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता। इसीलिए गाइस ये वॉच तो बड़े काम की थी। तो गाइस एक बात कहूँ तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बोबॉय की वॉच एक ही बार अपग्रेड हुई है, तो गाइस उनको मैं बता दूँ कि बोबॉय की वॉच दो दो बार अपग्रेड हो चुकी है। एक तो बोबॉय गैलेक्सी सीजन 1 में हुई थी, और दूसरी बोबॉय गैलेक्सी सीजन 2 में हुई है। तो गाइस आप सब सोचोगे कि उस वॉच से बोबॉय एलिमेंटल स्प्लिट सेफली कर सकता है, एलिमेंटल फ्यूजन सेफली कर सकता है, तो अब फिर उसको अपग्रेड करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो गाइस बोबॉय गैलेक्सी सीजन 2 में आप सबने देखा होगा कि बोबॉय टेम्पेस्ट का एपीडियंस हुआ है, जो कि है विंड का 3rd लेवल। तो गाइस क्या आप सब जानते हो बोबॉय जो इतनी आसानी से 3rd लेवल में अपग्रेड हो पाया, वो सब इसी वॉच की मदद से। ये वॉच दिखने में गोल है, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस पावर वॉच में बोबॉय को जिस एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होना है उस तरफ बस इस सर्कल को टर्न कर देना है, बस बोबॉय ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये तो हुई एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होने की बात। बात करें एलिमेंटल स्प्लिट की, तो बोबॉय जब एलिमेंटल स्प्लिट करेगा तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स बहुत ज़ोर से रोटेट होने लगेंगे, जिसके बाद बोबॉय एलिमेंटल स्प्लिट कर पाएगा। तो गाइस ये तीसरी वॉच जो है ना, काफ़ी ज़्यादा काम की है। अगर बोबॉय अपने 3rd लेवल में अपग्रेड हो भी जाता तो वो पिछली वाली वॉच उसे झेल नहीं पाती और ब्लास्ट हो जाती। इसीलिए गाइस इस वॉच की मदद से बोबॉय 3rd लेवल में काफ़ी आसानी से अपग्रेड हो सकता है, और ये वॉच भी सेफ रहेगी और बोबॉय भी सेफ रहेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से इसे लाइक कर देना, और अगर आपने इस लेफ्ट वाली वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लो, अगर उसे देखा हुआ है तो इस राइट वाली वीडियो को भी देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।